चलो गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद, बहुत दिन मतलब 3 दिन बाद, शायद 3 4 दिन बाद हम लोग असम के सीरीज जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हुए, एंड होप सब कुछ सही चल रहा हो। देखते हैं सब कुछ कनेक्टिविटी वगैरह सही है कि नहीं, एंड इफ एवरीथिंग इज करेक्ट तो लेट्स मूव अहेड। Yep, everything is fine and अभी तक तो चलो ठीक ही है। ठीक है, तो आसाम सीरीज का क्या हुआ कि एज ऑल ऑफ यू नो, चलो फैन बंद कर देता हूँ नहीं तो आवाज कटेगा। वो फैन का स्विच किधर है? ये नहीं है, चलो नहीं तो आवाज कट जाता है, फिर दूसरी तीसरी बार रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। ऐप में जैसे अभी जोर जोर शोर से मतलब धमाकेदार क्लासेस ऐप में चल रही है, बिकॉज वहां पे इंडियन पॉलिटी वगैरह स्टार्टेड है, तो वहां पे मस्त क्लासेस चल रही है, बहुत ज्यादा क्लासेस चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो उसको लेकर थोड़ा सा बिजी था। तो अभी थोड़ा सा अभी मतलब बहुत सारी चीजें स्टार्टेड है, इकोनॉमी के क्लासेस आ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी के क्लासेस आ रहे हैं। नितिन सिंघानिया के बुक को मैं फर्स्ट पेज टू द लास्ट अपने तरीके से बहुत अच्छे से उन सब बच्चों के लिए कवर करा रहा हूँ जिनको इकोनॉमी एकदम नीलबट्टे सन्नाटा है, जिसको कुछ आती भी नहीं है। तो वो एक क्लासेस है, वो एक सीरीज है, उसको रिकॉर्ड करना होता है। यूजीसी नेट का एग्जाम आ रहा है, यूजीसी नेट वालों को पढ़ाना पड़ता है। एडीआरई का एग्जाम आ रहा है, जो लाइव जो फ्लैश एंड बोन वाले बच्चे हैं उनको अभी बहुत बहुत मतलब मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स जस्ट बीन ए मंथ आई हैव कम हियर एंड इट्स बीन अबाउट 15 odd days आई हैव जॉइंड देम। तो देखा भाई उनका भी हालत तो कुछ सही है नहीं, तो उस लेवल तक पढ़ाना जिस लेवल में पक्का गारंटेड सिलेक्शन हो ही जाए, कोई दिक्कत ही ना हो कि सिलेक्शन गारंटेड है भाई, सिलेक्शन होएगा होएगा, तो उस हिसाब से पढ़ाना तो पड़ता ही है उनको। तो अप टू डेट रखना उनको पढ़ाना, करंट अफेयर्स के क्लासेस लाऊंगा अभी, वीकली करंट अफेयर्स की, चलो हफ्ते का पूरे करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पढ़ा दिया वैसा, तो उसके भी बनाने हैं नोट्स। तो आप लोगों के लिए एड्रे आसाम का भी सीरीज चलाना है, फिर इसमें आसाम के सीरीज के बाद इंडिया सीरीज बीच में डालना है, सो टेस्ट सीरीज बनाने हैं, वही क्वेश्चंस जो बहुत जरूरी है। तो ऑल दीज थिंग्स मैनेज करना अकेला, सो दैट्स ह्यूज टास्क, कीपिंग अप टू द पेस करना बहुत है। अपने पीएचडी के खुद के पीएचडी के काम है वो भी करने पड़ते हैं, पढ़ने तो पड़ेंगे, है कि नहीं? सो ऑल दिस ऑल टुगेदर शुरू कर दे। एक बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल भी करा था, मतलब मेरे ऑफिस में कॉल करा था एंड आस्क्ड फॉर माय नंबर। अबू इज वन ऑफ देम, ही इज फ्रॉम करीमगंज आई सपोज, अबू बकर हिज नेम इज। देयर आर अदर टू थ्री गाइस पीपल हु कॉल मी एंड सेड सर एक काम करोगे आप प्लीज। मैंने बोला बेटा बताओ क्या करना है। तो यूट्यूब में ना आपने जो पहले मतलब आसाम लिटरेचर के जो 5 वीडियोस बनाए थे, अब आगे कितने बनाओगे? मैंने बोला रहा कि एक दो होगा, लिटरेचर का तो मैं बोला सर आप एक काम करोगे अगले क्लास में ना एक बार सब वीडियोस को जितने भी है ना एक बार रिवाइज करा दोगे। हमने सारे अलग अलग वीडियोस देख लिए मगर फिर भी आप अगर एक बार रिवाइज करा दोगे ना सब एक साथ और आसानी हो जाती है। तो मतलब क्या होता है कंपाइल में सुन लेते हैं हम लोग। मैंने बोला चलो वो ही सही। तो आज के वीडियो में मैं क्या करूंगा, आज के वीडियो में आज का जो वीडियो का क्लास है वो मतलब आज का जो अपना एक क्लास होता था ना वो क्लास, उसके साथ जो पीछे सारे वीडियोस करे थे मैंने, 5 वीडियोस करे थे, वो सारे 5 वीडियोस के जो थियरी पार्ट है मतलब जो पीडीएफ है मैं सबको एक जगह पे मार्च करके रखा हूँ, तो वो सारे चीज पूरा पढ़ लेंगे। मतलब आज तक के जितने भी क्लासेस है, आज तक के जितने पूरे 5 क्लासेस है, पूरे पांचों के पांचों क्लास हम लोग और आज का छठा क्लास, तो पूरे 6 क्लासेस हम लोग पूरा रिवाइज कर लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे, एंड दैट विल ब्रिंग आवर असम लिटरेचर टू एन एंड, लिविंग माधव देव एंड शंकर देव एरा। मैं न्यू वैष्णवाइट एरा जब पढ़ाऊंगा, वैष्णविज्म जब पढ़ाऊंगा, उसमें मैं माधव देव और शंकर देव की लिटरेचर वहां पर डाल दूंगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज लाएंगे कल वाले वीडियोस, कल नहीं कल या परसों जब भी इसका और नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग एमसीक्यूज करेंगे असम लिटरेचर के ऊपर या और कुछ करेंगे। होपफुली असम लिटरेचर के ऊपर एमसीक्यूज होगा, बिकॉज द पीपल हु कॉन्स्टेंटली
वो आर देयर कॉन्स्टेंटली विथ मी। उनका ये होता है कि वो मुझे रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि फोन करके सर मैं, या कभी कभार कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। मैं सो ये सोच भी रहा हूँ कि सो दैट बहुत डिफिकल्टी होती है बच्चों को मेरे साथ कनेक्टिविटी पे, कि कहाँ पे कॉल करे, कैसे कॉल कॉल करे, नोट्स कहाँ मिलेगा, 10 जगह पे कॉल करते हैं। अगर ऐसी दिक्कतें हो रही है तो मैंने सोचा एक अपना टेलीग्राम चैनल, बिकॉज मैं व्हाट्सएप वगैरह यूज नहीं करता, तो टेलीग्राम चैनल, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में हुई नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सब बेकार ही लगता है, झंझट पालना एक अलग सा है। तो टेलीग्राम एक चैनल बना दूंगा, टेलीग्राम पे एक चैनल पे, वहां पे मैं और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मुझे प्यार करने वाले हैं, जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो वहां पे जुड़ सकते हैं। सो कीप ट्यून्ड, टेलीग्राम चैनल बना के आज ही बना लूंगा, एंड आई इनवाइट, आप लोगों को बता दूंगा कि ये चैनल का नाम है, और ये मतलब टेलीग्राम पे यहाँ पे है मेरा नाम, ये सर्च करो, आपको मैं मिल जाऊंगा और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। दैट्स इट। सो दिस विल बी अनदर थिंग फॉर यू, सो दैट वी बिल्ड अ वेरी गुड बॉन्ड एंड वी स्टडी अ लॉट। सो कीपिंग अप टू योर प्रोमिसेस, टू द प्रोमिसेस आई मेड टू यू, सो दैट आई ऑलवेज बी देयर। कुछ भी हो सर, ये कर दो हमारे लिए, वो कर दो हमारे लिए, डेफिनेटली आपके लिए जो बताओगे कोशिश करता रहूंगा कि जल्द से जल्द कर ही दू, है कि नहीं? वादे रखने बहुत जरूरी होते हैं, वादे तोड़ने नहीं होते, है कि नहीं? तो जो बोला वो करूंगा, तो गारंटी, वादा किया है कर दूंगा तो कर ही दूंगा। लेट हो सकता है, 1-2 दिन, बट कर दूंगा। तो शुरू करें बेटा, चलो शुरू करते हैं। देखो तो अभी जो है ना, पूरा ये जो सामने जो समारी है, ये जो पूरा चीज है, एक ही साथ कनेक्टिविटी कर दूंगा कि पिछले वाले जो वीडियोस थे, जो वीडियोस आप पढ़ के आए हो मेरे, मतलब जो 5 वीडियोस थे वो, और आज का वीडियो, ये आज का स्टार्टिंग है। ये एक्चुअली मैंने क्या किया था, मैंने उल्टा कराया था, जानबूझ के उल्टा कराया था कि आप पीछे वाला चीज पहले पढ़ लो, फिर मैं आगे से कनेक्ट उस पीछे वाले को कनेक्ट कर दूंगा। तो ये रटते रहो जाओगे, जब ये कनेक्टिविटी होगा तब आपको और ज्यादा समझ में, अच्छा 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 ये काम हुआ था, तो वैसे अच्छा अच्छा ये काम हुआ था, ये काम वाला ये वीडियो है। ठीक है, चले खुश, न्यू मंडे, न्यू वीक, न्यू बिगिनिंग, प्रॉबेबली द बिहू वीक आई सपोज सो, है कि नहीं? तो पढ़ते हैं आगे, कोई इश्यूज होनी तो नहीं चाहिए, कोई भी दिक्कत हो बेटा मैं हूं। चलो पढ़ लेते हैं, स्टेजेस ऑफ एसएमई, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एसएमईज लिटरेचर। अब ये है पूरा, ऐसे पूरा वो मॉडर्न एरा था, कि मॉडर्न एरा कैसे डेवलप हुआ था, ये मतलब मॉडर्न एरा पे अमेरिकन बप्टिस्ट लोग आए थे, उनका एक था, फिर वो क्या बोलते हैं हम लोगों का, वो फिर हेमचंद्र बरुआ, गुणाभिराम बरुआ का एज गया, फिर जोना की एज आया, है कि नहीं? और फिर मॉडर्न फेजेस, दो न्यूज़पेपर्स वगैरह जो थे वो सारे चीज वहां पे थे। तो वंस दोज पार्ट वाज डन, आई हैड टू कम बैक सो एंड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये है वो बिगिनिंग पार्ट, जहां से कहानी शुरू होती है बेसिकली। अगर वो मूवी है, ये इस मूवी का प्रीक्वल है, सीक्वल नहीं है, सीक्वल तो बाद वाला होता है, ये प्रीक्वल है कि वो मूवी बना था तो वो मूवी कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये मूवी यहां से शुरू होता है, एक्चुअली यहां से शुरू होता है और आगे जाके वो कनेक्ट होता है। तो ये जो चीज एक्चुअली शुरू होता है और आगे जाके कनेक्ट होता है, ये शुरुआत ये है, और मैं आगे जाके उसका कनेक्ट कर दूंगा, कनेक्ट करके आगे वाला मूवी फिर से दिखा दूंगा। देखो मजे से पढ़ो, एंड होपफुली यू लाइक इट, है कि नहीं? कितने लोग? 3 लोग हैं, बढ़िया बेटा, 3 लोग पढ़ो। चलो, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। पहला, एंशियंट इरा, ऑब्वियसली जब शुरू होगा तो एंशियंट, उसके बाद न्यू प्री वैष्णव एरा आया, फिर वैष्णव एरा आया, फिर पोस्ट वैष्णव, फिर मॉडर्न एरा आया। ठीक है, मैं आप लोगों को एंशियंट एरा, प्री वैष्णव एरा, मॉडर्न एरा, पोस्ट वैष्णव एरा, ये 4 एरा मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा आज ही। मतलब ये तो खत्म ही है, ये तो डन है,
दिस इज डन। और ये बाकी तीन मैं आपको आज करा दूंगा। तो बच जाएगा ये जिसमें शंकर देव और माधव देव जी है कि नहीं, शंकर देव और माधव देव जी का एरा है, ठीक है, माधव देव, ठीक है। तो ये हम लोग अलग से करेंगे क्योंकि ये बड़ा है, और अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे अभी? क्योंकि अगर अभी मैंने आपको ये करा दिया तो क्या होगा पता है, एक जगह पे सब कंपाइल्ड हो जाएगा, आप बोलोगे अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली होता ही है, स्टूडेंट्स लाइफ का ये एक सिनेरियो चलता रहता है, आज नहीं कल से। तो आज नहीं कल से, आज नहीं करेंगे, कल से करेंगे। और कल वाला पूरा टेबल बना लेते हैं, रूटीन बना लेते हैं। ये हर किसी के साथ होता है, कि मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी जब यंग था, आई डोंट नो इफ आई एम स्टिल यंग और नॉट, यंग इन माइंड, यंग फिजिकली, नॉट दैट ओल्ड डेफिनेटली, यूथ, लेटर यूथ वाला फेज है। तो बात यह है कि उसमें जब कॉलेज डेज में हम भी थे तो उसमें भी है ना, कल कर लेंगे, कल से। और क्या नियम होता है, रूटीन बना लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, इतने बजे उठेंगे, इतने बजे से पढ़ेंगे, इतने बजे खाने जाएंगे, इतना टाइम सोएंगे, इतना टाइम गैप लेंगे, ये चीज पढ़ेंगे पूरा कल से, एकदम पूरा बुक वुक रेडी, सब टारगेट पे रेडी, अगले दिन जिस टाइम पे पढ़ना था अलार्म लगा के सोए, अलार्म बजा, ठीक है 5 मिनट और 15 मिनट, ठीक है 1 घंटा डिले। वो सोते सोते हम लोग फिर सोते सोते जो रूटीन हम लोग कल बनाए थे ना, उस सोते सोते अलार्म बंद करते करते उसी रूटीन को मतलब रिवाइज रूटीन बना देते हैं। फिर जब उठते हैं, जो रिवाइज रूटीन बना चुके थे उस पे काम नहीं होता, फिर सोचते हैं अरे यार आज बेकार हो गया, चलो आज ठीक है कल से फिर से करेंगे, फिर होता नहीं है ये चीज, ये डिले होता रहता है। और जिस दिन हम एक्चुअली करने बैठते हैं उस दिन बहुत लेट हो चुकी होती है। इसलिए मैं ये पूरा करा रहा हूं, वैष्णव एरा छोड़ रहा हूं, सो दैट जिस दिन मैं वैष्णव एरा कराऊंगा उस दिन बाई डिफॉल्ट आपको ये सारे चीज रिवाइज करने होंगे, क्योंकि आपको ये रिवाइज करके ही जाना होगा। मैं क्योंकि मैंने दो हिस्सों में एक चीजें बांट दी, देखो इसलिए वैष्णव एरा नीचे है, यहां पे दो चीजें, इस तरफ दो चीजें, समझ रहे हो। तो ये दो चीजें आप पढ़ लोगे, ये दो चीजें मैंने पढ़ा दिया, अब बीच का अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको डिसकनेक्टिविटी हो ही जाएगा आगे जाके, है कि नहीं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, तब आपको ये वाला रिवाइज करना होगा, ये पढ़ना होगा, फिर उसको रिवाइज करना होगा, गॉट इट। तो बाय डिफॉल्ट आपको ये और ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, अगर मैंने इसको अभी छोड़ के रखा है तो मैंने ये जानबूझ के छोड़ के रखा है कि बाय डिफॉल्ट ये आपको पढ़ना पड़े, ये मैं जिस दिन कराऊंगा। अभी के लिए आप ये दोनों पढ़ के रेडी कर लो, इन दोनों के एमसीक्यूज करा देता हूं, फिर ये जब कराऊंगा ये अपना एमसीक्यूज के साथ खुद आ जाएगा, सिंपल है कि नहीं। तो ये कुछ पढ़ाई के टेक्निक्स है जो मैंने अपने लिए डेवलप करा था, और ये आगे जाके मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ मेरे लिए, ट्राई करके देखो शायद आपके लिए भी हो जाए। सारी चीज एक साथ खत्म मत करो, बीच में से कुछ छोड़ दो, जानबूझ के छोड़ दो, कि जब उसको करोगे ना बाय डिफॉल्ट आपको आगे पीछे का रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होएगा। इसलिए चैप्टर्स को मैं एंड से उठा देता हूं, बीच से उठा लेता हूं, सो दैट बाद में रिवाइज करने पे आगे पीछे का पढ़ना ही पड़े मुझे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें है। तो पढ़े हम लोग एंशिएंट एरा, तो एंशिएंट एरा में, एंशिएंट एरा एसएमएस लिटरेचर, अब एसएमएस लिटरेचर का आप देखो, एसएमएस लिटरेचर का क्या सीन है, ये डेवलप हुआ है मगधी प्रकृत से, ठीक है, डेवलप फ्रॉम मगधी प्रकृत। The Charyabadas are considered as the earliest example of Assamese literature. ये question बनता है. This becomes a question कि which of the following is considered. अगर कोई video देख रहे हो ना, एक काम कर लेना, copy pen लेके ना आप लिखने लग जाना. क्या लिखने लग जाना? मैं जो questions बोलता हूँ ना, वो questions लिखने लग जाना. और ये रहेंगे उसके answers. तो क्या होगा? ऐसे type of MCQs जब आएंगे, आपको MCQs में से options छाटने नहीं पड़ेंगे. You don't have to search for the correct answer. You know the correct answer. You just search for your correct answer. You are not here to search for the wrong answer, eliminate the wrong, find the correct. वो भसेरे में नहीं जाना ही नहीं है हमें, ठीक है।
तो मैं जो जो चीज करा रहा हूँ उसके साथ साथ मैं क्वेश्चन बोलता जाऊंगा, वो क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लो कॉपी में, ये रहा इस लाइन का यही क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकते इसका, ठीक है। मैं एडीआरई बेस का बता रहा हूँ, एपीएससी बेस का मेटेरियल सेम होगा मगर सोचने का तरीका अलग होगा। तो अभी एडीआरई बैच का कर रहे हैं, पुलिस का कर रहे हैं, टेट का कर रहे हैं, तो ये सीरीज मतलब आप क्वेश्चन लिखकर, मैं क्लास में भी वैसे कराता हूँ, कोई भी एक टॉपिक पढ़ाता हूँ तो एक लाइन पढ़ाता हूँ, उसमें से प्रोबेबल क्वेश्चन क्या हो सकता है, एमसीक्यू में कैसे पूछा जा सकता है। तो जो प्रोबेबल क्वेश्चन होता है बच्चों को बोलता है, बच्चों बेटा लिख लो ये क्वेश्चन कि आएगा तो इस फॉर्मेट में आएगा। अब एमसीक्यू में चार ऑप्शन बनाने होंगे, चार ऑप्शन और भचेरिया का कुछ भी बनाए, वो मुझे उस चार ऑप्शन से, बाकी तीन ऑप्शन से नहीं लेना देना, मुझे लेना देना है मेरे आंसर से। तो क्वेश्चन के साथ ये है, तो इस पॉइंट का ये क्वेश्चन बनेगा, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, आप वही रट लो, आपके पास थ्योरी तो पूरा है ही है कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा इस पॉइंट का, कि व्हाट इज कंसीडर्ड, या हाँ ऐसे कि व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी द, या विच पीरियड या विच बुक इज कंसीडर्ड टू बी द अर्लिएस्ट एग्जाम्पल ऑफ एसएमएस लिटरेचर। आंसर होगा चरिया पदार्थ, ठीक है, दिस वुड बी द आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, द चर्यापद लिटरेचर, लाइक क्वेश्चन होगा व्हिच लिटरेचर इज कंसिडर, व्हिच लिटरेचर इज कंसिडर्ड एज द अर्लिएस्ट एग्जाम्पल ऑफ एसएमएस लिटरेचर, ठीक है। एक क्वेश्चन हमें मिला, क्वेश्चन वन, वन क्वेश्चन डन। आज मैं पूरा वीडियो वैसे कराऊंगा कि कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं यहां से। चर्यापद लिटरेचर वॉज फॉलोड बाई प्री वैष्णव एरा, बाय द फेमस पोएट्स एंड ऑथर्स लाइक हेम सरस्वती, रुद्र कंडाली, माधव कंडाली एक्सेट्रा, वे प्रोमिनेंट नेम्स इन द एसएमएस लिटरेचर। यहां से क्वेश्चन बनता है, हु ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द प्री वैष्णवा एरा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स बिलोंग टू द प्री वैष्णवा एरा। तो हेम सरस्वती, रुद्र कंडाली, मधव कंडाली एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये तीन नाम तो है ही, अगर इन तीन नामों से कुछ पूछा जाए आपको तो मिल ही जाएगा कि आगे देखते हैं। यहां पे दूसरा क्वेश्चन मिल गया। नेक्स्ट, एसएमएस लैंग्वेज एंड लिटरेचर अचीव्ड इट्स ग्रेटेस्ट हाइट ड्यूरिंग द वैष्णव पीरियड। तो तीसरा क्वेश्चन बनता है, ड्यूरिंग विच पीरियड द एसएमएस लिटरेचर गेन्ड इट्स ग्रेटेस्ट हाइट। तो ड्यूरिंग विच पीरियड द एसएमएस लिटरेचर गेन्ड इट्स ग्रेटेस्ट हाइट। आंसर है वैष्णव एरा। आप कैसे याद रखोगे कि सर ग्रेटेस्ट हाइट को नीचे लिखे हुए थे, मतलब चार्ट में तो नीचे, अगर ऐसा देखा जाए उल्टा कर लो चार्ट तो सबसे ऊपर, तो चार्ट में वो बीच का था, नीचे था, वो ग्रेटेस्ट एरा था, नंबर वन। सेकंड, सर वो सब वीडियो में, एक साथ वाले वीडियो में नहीं कराए थे, सर ने ग्रेटेस्ट को ग्रेटेस्ट की तरह ही ट्रीट करा था, ग्रेटेस्ट को उनका जो मान है, मर्यादा है, जो रेस्पेक्ट अर्न करना चाहिए, सर ने उसको वही रेस्पेक्ट दिया, उनको अलग से पढ़ाया, क्योंकि ग्रेटेस्ट है, गोल्डन एज होगा तो उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए, बहुत सारे लिटरेचर्स आएंगे, उन लिटरेचर को हम लोग को उस तरीके से ही पढ़ना है, इसके लिए उसको सर ने अलग रखा था, बाकी को अलग और ग्रेटेस्ट अलग। बाकी कम नहीं है मगर वो ग्रेटेस्ट है, जहां पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, तो वो हम लोग ने अलग से पढ़ा था। तो ऐसे भी आपको याद रह जाए, क्योंकि वैष्णव एरा जो है वो एसएमएस लिटरेचर में सबसे ज्यादा महत्व रखता है कि नहीं। इसलिए इस पीरियड को गोल्डन एज भी बोला जाता है। तो इसी में हम लोगों को क्वेश्चन थ्री और क्वेश्चन फोर दोनों मिल गए, इसी में हम लोग को क्वेश्चन थ्री और क्वेश्चन फोर दोनों मिल गए। क्वेश्चन थ्री प्लस क्वेश्चन फोर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन थ्री, ये बन सकता है, ड्यूरिंग विच पीरियड द एसएमएस लिटरेचर गेन्ड इट्स ग्रेटेस्ट हाइट, ये एक बन जाएगा। और चौथा बनेगा, ड्यूरिंग विच पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज फॉर एसएमएस लिटरेचर। तो ये दोनों का आंसर सेम ही हो जाएगा, इन दोनों का आंसर वैष्णव पीरियड हो जाएगा, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, डार्केस्ट पीरियड ऑफ एसएमएस लिटरेचर। अब गोल्डन पीरियड ग्रेटेस्ट हाइट है, नहीं बोलते हम लोग,
जहां पे लाइट है वहां पे डार्क तो होगा ही, है कि नहीं? दिन है तो रात तो होगा ही, बुरी समय है, समय बुरा चल रहा है, बुरा समय है तो अच्छा समय तो आएगा। इट्स जस्ट ए फेज, नथिंग परमानेंट, नथिंग इज फॉर एवर, लिटरली नथिंग इज फॉर एवर, कोई चीज टिकता नहीं है हमेशा। बुरा समय नहीं टिकेगा, चला जाएगा, अच्छा समय भी नहीं टिकेगा, वो भी चला जाएगा, बहुत अच्छे इकोनॉमी भी नहीं टिकते, वो भी चला जाता है। चाइना का हालत देख, तो करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो देख लेना चाइना का हालत है। चाइना का ग्रोथ रुक गया है, बेचारे डिक्लाइन में चले जा रहे हैं, अभी करंट अफेयर्स है, पढ़ा दूंगा मैं भी, बट है तो वही इकोनॉमी वाला रिलेटेड। तो करंट उसमें क्या है, चाइना का डिक्लाइन हो रहा है, तो वो एक फॉरेवर नहीं था ना, अमेरिका भी डिक्लाइन किया है, कोई सुपर पावर नहीं रहता। अब इंडिया का सही समय चल रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बुरा समय आएगा फिर से अच्छे समय आएगा। सो दिस इज द फेज ऑफ लाइफ। लोगों के ब्रेकअप्स होते हैं, प्यार होता है, अच्छे समय आता है, ब्रेकअप होता है, फिर से प्यार होता है, फिर ब्रेकअप होता है, शादी होती है, फिर टूटते हैं, झगड़े होते हैं, फिर मनाया जाता है, सब इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ। सिमिलरली यहाँ पे भी गोल्डन एज था तो डार्केस्ट एज तो आना ही था, है कि नहीं? अगर बहुत सुनहरा मौका था, काली दुनिया तो देखनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो डार्केस्ट पीरियड ऑफ असामिस लिटरेचर ऑफ 19th सेंचुरी, व्हेन बर्मीज इन्वेडेड असम। तो जब बर्मा ने असम को इन्वेड करा था, तो उस समय असामिस लिटरेचर का फेस बहुत बुरा था। ऑब्वियसली इन्वेजन के टाइम थोड़ी आपका बुक कोई पढ़ेगा, किसी का लिखने का मन जाएगा उतना। तो व्हेन बर्मीज इन्वेडेड असम, तो क्वेश्चन क्या बन जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द डार्केस्ट फेज इन असमिज लिटरेचर। तो क्या बनेगा, व्हेन बर्मीज इन्वेडेड असम 1817 है, 1800 साल चल रहा है, तो सेंचुरी तो उसके बाद वाला पढ़ते हैं ना, अगर 1800 में कुछ बोलते हैं तो सेंचुरी तो 19th वाला लिखेंगे, तो 19th सेंचुरी। तो विच सेंचुरी इज रिगार्डेड एज द डार्केस्ट फेज ऑफ असमिज लिटरेचर, 19th सेंचुरी। विच पीरियड, विच ईयर, या विच हाँ विच पीरियड, तो पीरियड व्हेन द बर्मीज इन्वेडेड असम, वो एक पीरियड था जहां पे असमीज लिटरेचर का ग्रोथ नहीं हुआ था, तो इसके लिए हम लोग उसको डार्केस्ट फेज बोलते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट। तो व्हेन द ब्रिटिश केम टू पावर इन असम, द इंट्रोडक्शन ऑफ बंगाली एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज रिजेंटेड द पीपल, एंड अगेन एन एंथुसियाज्म टू रिवाइव द लैंग्वेज हैड स्टार्टेड। अब जब ब्रिटिश आ गया असम में चाय की खेती करने, चाय ट्रेड करने वगैरह सब कुछ, तब उन्होंने क्या किया था, सिंस बंगाल उनके लिए एजुकेटेड था, क्योंकि बंगाल को वो एजुकेटेड कर चुके थे तब तक, बंगाल में तो उनका घर ही था। अगर हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे पॉलिटी में, पॉलिटी के चैप्टर वन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, उन्होंने क्या किया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बॉम्बे एंड मद्रास था, तो बंगाल को उठा के सबके ऊपर रख दिया था, बॉम्बे और मद्रास को नीचे कर दिया था, फिर बंगाल में ही सुप्रीम कोर्ट बनाना, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाना, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही वाइस रॉय बना देना। अल्टीमेटली क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ ही तो सब चेंज हो रहा है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, गवर्नर ऑफ बंगाल बना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल बना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद वही वही पोस्ट चेंज होकर बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वही पोस्ट चेंज होकर बन गया वाइस रॉय। तो बंगाल उनके लिए, सुप्रीम कोर्ट बंगाल में, पहला हमारा कैपिटल बंगाल, तो बंगाल उनके लिए बहुत पसंदीदा जगह था, बंगाल को वो लोग बहुत पसंद करते थे, बंगाल के लोग लिटरेट, उन्होंने बंगाल बंगाल को लिटरेचर में बहुत ज्यादा हेल्प करी, बंगाल से इसलिए इतने सारे लॉरिएट्स बाहर आए, क्योंकि उनमें पढ़ाई का चर्चा, अभी भी आप देखोगे कल्चरली बंगाल रेस्ट ऑफ इंडिया से बहुत आगे है, उनके डांस फॉर्म्स, उनके डांसेस, उनके गाने, उनके को करिकुलर एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कल्चर बाकियों से एडवांस्ड है, शांति निकेतन देख लो। तो ये फैक्ट है, अगर कोई बोलता है ऐसे कैसे आप बोल सकते, ऐसे कैसे नहीं बोल सकते, ऐसे ही है, वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। द वे दैट पीपल राइट देयर, मैं पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है इन द सेंस मैं पोएट्स लाइक पोएम्स पढ़ता हूँ, या जो लेख होते हैं ये सब मैं पढ़ता रहता हूँ, कोट्स वगैरह जो होते हैं, शायरिया वगैरह होती है, एंड आई लव रीडिंग दोस थिंग्स। तो
व्हेन आई लाइक वन ऑफ माय एक रशियन है, उनका काफका करके है, फ्रेंच है वो, तो काफका का लेख मुझे बहुत अच्छा लगता है. काफका जब काफका के जो बुक्स है, काफका काफका ने जो लिखे हुए हैं वो राइटिंग्स मुझे बहुत पसंद है. तो जो काफका पढ़ चुका है वो लिटरली रिलेट कर पाएगा कि बंगाली लिटरेचर में चल क्या रहा है. तो वो पढ़ाई है, डेप्थ है, वो लोग लिखते कैसे है, उनका सोच कैसा है. बंगाली गाने सुन लो, जो बंगाल जो अभी वीडियोस देख रहे होंगे, जो बंगालीज है, तो जो लिखते हैं ना, जो डेप्थ में जाके लिखते हैं, जो वो लोग सिमिली क्रिएट करते हैं, किसके साथ किसको रिलेट कर देना, दैट्स इम्पेकेबल, दैट्स इम्पेकेबल. वो अलग ही टाइम का है. तो एक्चुअली बंगाल को एजुकेट, अब 1817 के बाद ट्रीटी ऑफ इंडब 1826, उसके बाद 1830s में ब्रिटिश लोग यहाँ पे एक्चुअली आए, आके धंधा करना शुरू करा चाय वगैरह के. तो उस दौरान के फेज में, हाँ, उस दौरान के फेज में आप एक बात सोचो कि क्या बोलूं, कहाँ 17वीं 1773 से चल रहा है ब्रिटिश का बंगाल में दबदबा. 50-60 साल तक इन लोगों को वो लोग बहुत एडवांस कर चुके, एजुकेटेड कर चुके. अभी असम में धंधा चल रहा है और ऑलरेडी एजुकेटेड लोग वहां पे हैं, समझ रहे हो, एजुकेटेड लोग वहां पे हैं, असम में धंधा चल रहा है. चलो उसको एक्सपोर्ट करके मैं इसको एक्सपोर्ट करके मैं समझा देता हूँ, मतलब याद कैसे रखना है, समझ तो हर कोई जाएगा. सोचो अभी असम में धंधा चल रहा है, ये लोग अभी असम आए, ये लोग अभी आसाम आए, अभी आसाम में उनको ट्रेड करना है, अभी आसाम में उसको ट्रेड करना है. यहां पे बंगाल, ये 1830s में है, ये 1830s, ये रहा बंगाल. ये बंगाल में तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहले से ही ट्रेड कर रहा है. छोड़ो ईस्ट इंडिया कंपनी वाली बात, हम लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट की ही बात करते हैं. मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक टाइम के लिए नकार भी दिया, चलो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ो. ब्रिटिश पार्लियामेंट की भी बात सोच लो, जब से इंग्लिश एडुकेशन लागू होना शुरू हुआ, ये यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हुआ, ये लोग 1773 जब से रेगुलेटिंग एक्ट आया तब से ये लोग बंगाल के पीछे पड़े हैं. बंगाल में सुप्रीम कोर्ट बना दो, बंगाल के ही लोग, इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दो, इसी पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दो, इसी पोस्ट को वाइसराय बना दो, बंगाल ही इनके लिए सब है जिंदगी का, बंगाल को आगे जाकर कैपिटल बना दो, सब कुछ बंगाल 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 करते करते पागल हो गए. तो ये जो ग्रुप है ये बन गया इंटेलिजेंट, है कि नहीं. अब इसको यहां पे करना है धंधा, इसको करना है यहाँ पे धंधा, और ऑलरेडी बंगाल में एजुकेटेड लोग पड़े हैं. तो इसको बोला तू यहाँ पे आ जा, मैं तुझे नौकरी देता हूँ और तू यहाँ पे मुझे काम करके दे, समझ रहे हो, कि बंगाल से जो एजुकेटेड है, द इंटेलिक्ट पीपल, द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ बंगाल, द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ बंगाल, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग पढ़ लिख चुके थे. और यहाँ पे हमारा आसाम है कि नहीं, यहाँ पे अभी ट्रेड शुरू होगा, तो ये ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए यहां से लोग उसने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिए, है कि नहीं, यहां से लोग यहाँ पे एमिग्रेट हो गए हैं. तो इमिग्रेशन इन आसाम आया. अभी यहाँ पे आसाम में बंगाली नहीं थे, ये आ गया बंगालीज यहाँ पे. तो यहाँ पे जब बंगालीज आ गए तो बंगालीज आके थोड़ी असामीज में बात करेंगे, बंगालीज आके तो बंगाली में ना बात करेंगे, वो अपना क्यों बोलेंगे, भाई हम लोग यहाँ पे धंधा करने आए हैं, हम लोग यहाँ पे तुम्हारे बिजनेस संभालने आए हैं, हम लोग तुमको धंधा करवा के देंगे, तो हम लोग तुम्हारे भाषा पे क्यों करें, हम चले जाएंगे, धंधा बंद हो जाएगा. पैसे तो थे नहीं असम के पास, कंपेरेटिवली तो असम इकोनॉमी में कम ही था उस फेज में, बंगाल या रेस्ट ऑफ इंडिया से तो कम ही था, क्योंकि ट्रेड तो हो ही नहीं रहा था. बिना धंधे का क्या पैसा, बिना धंधे का पैसा तो होगा नहीं. तो अब धंधा यहाँ पे करना है और ये लोग धंधा समझते हैं, इनको धंधा करना आता था, ये लोग सीख चुके थे, असम अभी तक नहीं सीखा था. तो इनको पता तो चल गया कि हम चले जाएंगे, ये धंधा कर नहीं पाएंगे, समझ रहे हो. तो बंगालीज यहाँ पे, बंगालीज आ गए तो बंगालीज आके क्या करेंगे, बंगाली कल्चर लेके आएंगे. कोई भी ग्रुप आता है तो अपने साथ अपना कल्चर तो लेके आता है, कल्चर लेके आते हैं, लिटरेचर लेके आते हैं, ये सब तो लेके आ जाएंगे ये लोग. तो ऐसे करके बंगाली इंट्रोड्यूस हो गया असामीज असम में,
समझ रहे हो। अब जब इनका काम खत्म हो गया, जब धीरे धीरे आसाम के लोग एजुकेटेड होने लगे, इनको बोला गया कि बेटा चलो आ जाओ, आपका काम है नहीं, अब ये लोग अपना संभाल लेंगे। यहाँ के ग्रुप बोले क्यों भाई, हमारा कल्चर है, हमने अपने बच्चों के लिए स्कूल वगैरह बना के रखा है, बंगाली सिखा रहे हैं, आपकी मर्जी हम आ जाएंगे, आपकी मर्जी चले जाएंगे, हम नहीं जाने वाले, हम रुकेंगे, हमारे बच्चे हैं, हमारे फैमिलीज है, हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, हम लोग रहेंगे, हम लोग कुछ कुछ लोग पैसे कमा के यहाँ पे धंधा भी शुरू कर चुके थे तब तक, तो हम लोग तो नहीं जाएंगे। और कोई कहीं से नहीं जाएगा, मार के थोड़ी निकाल दोगे, है कि नहीं? ऐसे तो नहीं होता ना कि देश के अंदर ही हो कि कोई कहीं पे जाकर बैठ गया तो आप उसे धक्का दे के तो ये मार के तो नहीं निकाल सकते, ये लीगली तो बैठा हुआ है इंसान, पैसे दे रहे हैं, जमीन खरीद के कुछ करके तो बैठा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड तो है, ये तो निकाल नहीं पाए। ऐसे करके बंगाली कल्चर असम में इंट्रोड्यूस हो गया और वो रह गया, इसलिए बंगाली असम के इंटीग्रल पार्ट हो गए, ये थे नहीं यहाँ के, ये आए हैं यहाँ पे, असम पे असामीज ही थे, यही लोग थे, ये लोग आए हैं यहाँ पे ट्रेड के टाइम, और मतलब एक गुट गया ही नहीं, यहीं पे रह गया, तो उन्हीं के फैमिली बढ़ते रह गए आगे, और वही कल्चर असम में रह गया, यही था इनका रिलेशन। ठीक है, तो यही पूरा ट्रेड समझाने के लिए मैं बाहर आया था, फिर मैं चला जाता हूँ अपने वीडियो में। ठीक है, तो असम में अब बंगालीज आ गए, अपने कल्चर लेके आ गए, अब बंगाली का अपना कल्चर है तो असम को क्या लगेगा, असम अपना अस्तित्व खो रहा है, अपना ओरिजिनलिटी खो रहा है, इन द इन्फ्लुए इन द प्रेजेंस ऑफ सच ए ह्यूज कल्चर। है तो भाई वो ह्यूज, पॉपुलेशन वाइज भी ये लोग बड़े थे, अभी भी बड़े हैं वो लोग, इंटेलिजेंस से में भी हमसे आगे थे, अभी का नहीं पता, आगे थे शायद अभी भी आगे हैं। इंटेलिजेंस आई एम नॉट सेइंग इन द फैक्ट कि एक दो बच्चे हम तो कंपीट कर लेंगे, ऐसे नहीं, ईगो पे नहीं, हम लेट्स थिंक रैशनली, लेट्स थिंक लाइक अ सिविल सर्वेंट, लेट्स थिंक लाइक अ एजुकेटेड, नॉट लाइक अ इमोशनल मोरॉन। वो पढ़ाई में हमसे आगे हैं, फैक्ट है, उनके पास इंस्टीट्यूट ज्यादा है, उनके पास ब्रिटिश टाइम के इंस्टीट्यूट है, प्रेसिडेंसी कॉलेज पकड़ लो, हमारे पास देखने के लिए कॉटन यूनिवर्सिटी है उस स्टैंडर्ड के अगर माना जाए, उनके पास जेवियर्स है, प्रेसिडेंसीज है, और दो तीन चार नाम ही लगा दो, उनके पास सारे हैं, क्योंकि वो ब्रिटिश अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ब्रिटिश अपने टाइम पे वहां के इंटेलिजेंसिया, वहां के लोग अपने लिए ये बना चुके थे, ये लोग अपने लिए यहाँ पे बनाते थे, ये लोग ये चीज। असम में वो डेवलपमेंट नहीं था, सिंस उनका डेवलपमेंट पहले से शुरू हुआ, वो लोग एजुकेटेड ज्यादा थे, इसलिए वहां पे यूनिवर्सिटीज और पढ़ाई के मामले में पढ़ाई का स्तर वहां पे ज्यादा है, हम लोग का पढ़ाई का स्तर वहां से तो कम है, ये तो मैं बोलता हूँ कि बिकॉज आई वर्क फॉर देम, आई स्टेड देयर, आई वर्क फॉर दैट गवर्नमेंट, आई नो हाउ हाउ दे आर। पढ़ाई के मामले में बोल रहा हूँ और किसी के मामले में नहीं जा रहा, मैं जब अभी पढ़ाई चल रहा है पढ़ाई के मामले में बोल रहा हूँ, कॉन्टेस्ट को अलग जगह पे मत लेके चले जाना, बस मैं पढ़ाई के मामले में बोल रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, अब हम असम, असम के लोग, असमीज पीपल, यहाँ पे बंगालीज, उनका कल्चर लेके हमारे यहाँ पे आके हमारे कल्चर के ऊपर उनका कल्चर थोप के वो दबदबा क्रिएट कर रहे हैं। अभी डर तो लगेगा, डर नहीं, रिवाइव के लिए भाई, हमारे यहाँ पे हम लोग उतने कमजोर नहीं है, हम लोग उतने कमजोर, उतने गहरे गुजरे नहीं है कि हमारे कल्चर पे आपका कल्चर हावी हो जाएगा, तो उसको रोकने के लिए एक नए एज ऑफ पीपल निकले, जो कि वो चीज रोकने के लिए कि बंगाली कल्चर हमारे पे हावी ना हो जाए, तब आया नया नया दौर, जहां पे नए लोग आए, नया हिस्ट्री क्रिएट किया, नए असामिस कल्चर्स आए, ये रहा हमारा मॉडर्न एज, ये रहा अरुणोदय, ये रहा जोनाकी एज, ये रहा असम साहित्य सभा, ये लोग वो लोग थे जिन्होंने इस फेज में बंगाली कल्चर को हावी होने नहीं दिया था, और हमारा असामिस कल्चर को उन्होंने आगे बढ़ाया था, दिस वॉज देम। समझ रहे हो कनेक्टिविटी, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, जो ना कि एज, हेमचंद्र बोरा, गुनाभी राम बरुआ, फिर क्या बोलते, चंद्रकांत अग्रवाला, लक्ष्मीनाथ बेस बरुआ, ये वो लोग थे जिन्होंने
जिन्होंने इस टाइम पे हमारे असामिस कल्चर को आगे ले जाने के लिए काम किया था, समझ रहे हो। आज देखो, सिंस मैं लास्ट वाला चीज पढ़ा चुका हूँ, सिंस आपको मॉडर्न एज पता है, सिंस हमको पता है वहां पे क्या हुआ था, आज जब मैं ये चीज पढ़ा रहा हूँ आप रिलेट कर पा रहे हो, अच्छा ये है कहानी, इसलिए ये लोग आए हुए थे। दिस इज हाउ यू टीच दिमाग। चलो, दिस टाइम द एसएमएस इंटेलिजेंसिया वाज एसिस्टेड बाय द अमेरिकन बप्टिस्ट मिशनरीज द मॉडर्न एरा। समझ में आया, ब्रिटिश आ गए यहां पे बंगालीज को लेके, ब्रिटिश ही तो लाया था बंगालीज को। अब खतरा हो गया असामीज लिटरेचर पे, असामीज लिटरेचर चल रहा था, वो लोग तो इंग्लिश भी लेके आ गए थे, है कि नहीं, उनके पास बंगाली था, उनके पास इंग्लिश था, हमारे पास सिर्फ असामीज था, कंपीट तो करना पड़ेगा। तब इंट्रोडक्शन ऑफ द एसएमएस बप्टिस्ट मिशनरीज मॉडर्न एरा द बिगिनिंग पार्ट, वीडियो में पढ़ के देखना, 1833 1836 ये लोग आना, बुक लिखना, न्यू टेस्टामेंट को ही एसएमएस में ट्रांसलेट कर देना, कमेंडेबल जॉब। तो नहीं बोला कि कोई, अगर आपके खिलाफ कोई खड़ा है ना, याद रखना आपके साथ भी कोई खड़ा है, बस आपको देखने की जरूरत है कि आपके साथ कौन खड़ा है, दैट्स इट। किसी के साथ कोई नहीं है ना, भगवान तो है, एक बात मैं हमेशा मानता हूं, जाको राखे सही हम मार सके ना कोई, है कि नहीं। तो था असमिस के साथ अमेरिकन लोग थे तब, समझ गए, यही था कॉन्टेक्स्ट आगे बढ़ने का। तो फिर से एक बार आगे से देख के आते हैं, मजा आ जाएगा। एंशियंट लिटरेचर, ठीक है, प्री वैष्णव एरा, वैष्णव एरा, पोस्ट वैष्णव, मॉडर्न एरा, ठीक है। एंशियंट में चर्यापदस को हम लोग मानते हैं कि अर्लिएस्ट लिटरेचर, अर्लिएस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर असम इज लिटरेचर। फिर हम लोग ने देखा कि क्या बोलते हैं, जो प्री वैष्णव एरा था, प्री वैष्णव एरा में माधव कंडाली, रुद्र कंडाली ये लोग थे, है कि नहीं। फिर गोल्डन एज आया जहां पे वैष्णवा पीरियड था, फिर डार्केस्ट फेज आया जहां पे बर्मीज इन्वेजन ऑफ असम हुआ, उसके बाद ब्रिटिश आए, बंगाली लोगों को लेके आए, उनका कल्चर हावी होने लगा, तब अमेरिकन बप्टिस्ट आके हमें हेल्प करा, और तब हम लोग का मॉडर्न एरा ऑफ एसएमएस लिटरेचर शुरू हुआ। ये था पूरा कहानी। अभी एंशियंट एरा को पढ़ते हैं। एंशियंट एरा में चर्यापदा ओल्डेस्ट अवेलेबल स्पेसिमेन, चर्यापदा ओल्डेस्ट अवेलेबल स्पेसिमेन, तो वहां पे तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका था, तो ओल्डेस्ट अवेलेबल स्पेसिमेन है चर्यापदा, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मेन चर्यापदा बुक यहाँ पे क्वेश्चन 6 तो बनता ही है, क्वेश्चन 6 यहाँ पे बन जाता है कि मेन चर्यापदा बुक चर्याग, तिकोस और बुद्धा दोहार और चर्या गीतास, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि मेन चर्या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर द मेन चर्या चर्यापदा बुक्स। चर्यापदस वर रिटन इन बोथ सिंबॉलिक एंड अल्फाबेट, सिंबल्स में भी लिख देते थे या अल्फाबेट्स जैसे लिखते हैं वैसे लिख देते थे। दिस सॉन्ग्स आर कंपोज्ड ऑफ लिरिक्स ऑफ बुद्धिज्म ऑफ वज्रायाना सेक्ट व्हिच इज पॉपुलरली कॉल्ड एज सहजा कल्ट। तो चर्यापदास जो है वो क्वेश्चन बनेगा, चर्यापदास के जो सॉन्ग्स है, द सॉन्ग्स ऑफ चर्यापदास वर कंपोज्ड इन व्हिच लिरिक्स, बा उल्टा इन व्हिच लिरिक्स द सॉन्ग्स ऑफ चर्यापदास वर कंपोज्ड, सब लिख देंगे, सहजा कल्ट लिख देंगे, वज्रायन सेक्ट जो भी ऑप्शन है, हमें तो बस करेक्ट आंसर से मतलब है ना, तो हमें याद रखना है ये गाने जो लिखे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 7 बन गया वज्रायन सेक्ट, जिसको सहजा कल्ट बोला जाता है पॉपुलरली नोन एज। तो चर्यापदा जो था उसमें सिंबल या अल्फाबेट से लिखा जाता था, और जो गाने लिखे जाते थे वो सहजा कल्ट या वज्रायन सेक्ट जो है उस तरीके से, मतलब जो कंपोज थे उसको ये बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये जो टेबल है, ये टेबल पता है क्या है, ये टेबल वो है कि नोटेबल पोएट्स, उन पोएट्स को कोई ना कोई पेट्रोनाइज करता था, पेट्रोनाइज मतलब वो अपने साथ रखते थे और बोलते थे करो काम हम हैं तुम्हारे साथ कि हमारे लिए लिखो, वही चीज है उनके इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स या ऐसा कुछ पॉइंट्स हैं उनके साथ, तो मैंने वो टेबल पे दे दिया है,
ये टेबल पढ़ लो कि इस टेबल में से क्वेश्चन तो बन सकते हैं और बनने चाहिए भी। जैसे कि नोटेबल पार्ट्स, हेम सरस्वती, प्री वैष्णव एरा चल रहा है, ये देखो प्री वैष्णव एरा, प्री वैष्णव एरा में हेम सरस्वती जी हैं, उनको पेट्रोनाइज किया गया, उनको पेट्रोनाइज किया था दुर्लभ नारायण ने, उनके लिटरेरी वर्क से प्रहलाद चरिता, ये डिस्क्रिप्टिव पॉइंट में है, और हरागोरी संवाद, ये नैरेटिव पॉइंट में, याद रखना ये प्रहलाद जो चीज, प्रहलाद चरिता जो है वो पोएम है, वो डिस्क्रिप्टिव है और ये नैरेटिव है, ये दोनों चीज आप जरूर से याद रखना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 8 बनता है कि हु पेट्रोनाइज्ड हेम सरस्वती, प्रहलाद चरिता वॉज रिटन बाई हुम, क्वेश्चन नंबर 9, हरागौरी संवाद वॉज रिटन बाई हुम, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्रिप्टिव पोएम, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें ये दोनों ऑप्शन दे देंगे कंफ्यूज के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नैरेटिव पोएम, ये दोनों दे देंगे कंफ्यूज होने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक तो यहां पे बन गया, हिज लिटरेचर इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट एसएमएस रिटन लिटरेचर, हुज लिटरेचर इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट एसएमएस रिटन लिटरेचर, क्वेश्चन नंबर 13, समझ में आया, करेक्ट है। आगे रुद्रकंडाली, उनको पेट्रोनाइज किया था तम्रध्वज ने, ये कछारी किंग थे, इन्होंने ट्रांसलेटेड सम एपिसोड्स, तो ये क्वेश्चन बन गया 14, हु पेट्रोनाइज्ड रुद्रकंडाली, इन्होंने महाभारत द्रोणा प्रभा ट्रांसलेटेड सम एपिसोड्स में महाभारत द्रोणा प्रभा, तो ये क्वेश्चन बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15, हु ट्रांसलेटेड, है कि नहीं। फिर हरिहर विप्रा, हु पेट्रोनाइज हरिहर विप्रा, दुर्लभ नारायण, क्वेश्चन नंबर 16, दुर्लभ नारायण ने हमारे हेम सरस्वती जी को भी पेट्रोनाइज किया था, यहाँ पे दुर्लभ नारायण, तो उन्होंने हरिहर विप्रा को भी पेट्रोनाइज किया हुआ है। इंपॉर्टेंट वर्क्स में बाबरू बहानार योद्धा, लव कुशर योद्धा, हु रोट लव कुशर योद्धा, क्वेश्चन नंबर 17, हु रोट बाबरू बहानार योद्धा, क्वेश्चन नंबर 17-18 यहीं पे बन जाता है। माधव कंडाली को महामानिक ऑफ द महामानिक किंगडम ने पेट्रोनाइज करा था, उन्होंने, यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए, हु पेट्रोनाइज्ड ट्रांसलेटेड रामायण इनटू इडियोमेटिक एसएमईज, हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू इडियोमेटिक एसएमईज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये हमारे लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर ही वॉज द फर्स्ट इन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ इंडिया टू ट्रांसलेट रामायण इंटू रीजनल लैंग्वेज, तो पूरे पूरे नॉर्थ इंडिया में ये पहले ही थे जिन्होंने रामायण को रीजनल लैंग्वेज में बदला था, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 21 बनता है कि हु वॉज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट इन होल नॉर्थ इंडिया टू ट्रांसलेट रामायण इंटू अ रीजनल लैंग्वेज, तो ये हो गए हमारे माधव कंडाली, ये हो गए हमारे प्री वैष्णव एरा के इंपॉर्टेंट पार्ट्स, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 21 तक। फिर बकुल कायस्थ, रिनाउंड मैथमेटिशियन फ्रॉम कामरूप किंगडम, कंपाइल किताबत मंजारी पॉलिटिकल ट्रीटीज ऑन एरिथमेटिक सर्वेइंग एंड बुक कीपिंग, रुको उसके ऊपर भी कुछ है। अच्छा, शंकर देवा ट्रिब्यूटेड माधव देवा विद एफिडेट ऑफ ओपरोमाधि कोबी, चलो तो शंकर देवा माधव कंडाली को ओपरोमाधि कवि के उपाधि से नवाजे थे, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 22 बन गया कि हु गेव द एपिटेट ऑफ ओपरोमाधि कवि टू माधव कंडाली, क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज नोन एज ओपरोमाधि कवि, क्वेश्चन नंबर 23 बन गया, ये समझ रहे हो। उसके बाद बाकुल का इस तरह है गया कंपाइल, तो हु कंपाइल कबे हु कंपाइल किताबत मंजारी, ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24, हु कंपाइल किताबत मंजारी, ठीक है। व्हाट इज किताबत मंजारी, ये भी एक पूछ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर किताबत मंजारी, अगर थोड़ा सा टफ करना चाहा तो, ये एरिथमेटिक सर्विंग और बुक कीपिंग के ऊपर एक बुक है, हो क्या, तो डोमिनेटेड बाय, तो वैष्णव एरा डोमिनेटेड बाय होम,
शंकर देवा माधव देवा, ये मैंने लिखा है कि हम उसको आगे बाद में पढ़ेंगे, क्यों रीजन मैंने पहले ही बता दिया। आगे ये देखो, अभी ये पार्ट है हम लोग ने जो पहले कर चुके थे कि मॉडर्न एरा डिवाइड में क्या था। बाप्टिस्ट लोग, अब अभी तो समझ में आ गया ना कि बंगालीज आए, ब्रिटिश ने उनको सहायता करा, हम लोग पीछे पड़ गए एसामिस, तो अमेरिकन आए हमें हेल्प करा, हमारा ग्रोथ हुआ। अब बनता है ये वाले फेजेस, पीरियड ऑफ मिशनरी लिटरेचर 1836-1870, ये अमेरिकन मिशनरीज थे। तब आता है हेमचंद्र बरुआ जी, फिर जोना की, फिर आज के लिटरेचर, ठीक है। तो ये वाला चीज मैंने एक ही बार में यहाँ पे डाल के रखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं। ये मैं पढ़ा भी चुका हूं तुम लोगों को, तो सिंस अभी और एक क्लास है, दूसरे टीचर है उनका क्लास है, तो मैंने आपको अभी कनेक्टिविटी समझा दिया। अगर आप लोग को, आप लोग भी चाहते हो कि सर इसका और एक बना दो, कनेक्टिविटी अभी समझ में आ गया, या ठीक है सर आप दूसरे क्लास लेके आओ और हम लोग यहां से पढ़ लेंगे, हमें समझ में आ गया, ये यहाँ पे ये है, ये पीडीएफ, इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसमें सारे चीज एक साथ कंपाइल्ड है। मैं अभी तुरंत बोलता हूं ये पीडीएफ को आप लोग को अपलोड कर दे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक यहां पे डाल दे, और आप इसको अपलोड करके पढ़ लो, तो ये पूरे कनेक्टिविटी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देर से आता हूं मगर जो चीज लेके आता हूं शायद बहुत अच्छा होता है, शायद रेगुलरिटी में वो कहीं भी इंटरेस्ट खो जाता है, तो नहीं होता है टू मच अवेलेबिलिटी, एक फायरबैक भी करता है कभी कभार, तो तभी तब मिलते हैं ना जब एक दूसरे को मिस करते हैं, करेक्ट। आई मिस यू एंड यू मिस मी, देन ओनली इट्स गुड वी कनेक्ट, ठीक है। सो चलो आज के लिए इतना ही, लेट द अदर टीचर टेक द क्लास, लेट्स मीट होपफुली टुमारो, इफ नॉट डे आफ्टर विथ समथिंग न्यू, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर। एनिशा लकरा सर 8 AM क्लास होगा बोला सर देर, हाँ बेटा देर हो जाती है मेरी, टाइम का मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ठीक करूँ, नहीं हो पाता। पेड कोर्स है, हाँ बेटा पेड कोर्स तो है, कांटेक्ट कर लिया करो ग्रुप में, उनको कांटेक्ट कर लो, अब मैं दिख नहीं रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। चलो चलते हैं, एनिशा सॉरी बेटा, आई विल ट्राई टू कम ऑन टाइम, लेट्स सी कब होता है मेरा और टाइम का एक साथ। नहीं नहीं आज तो क्लास 9 बजे का था, अप्रैल 8, 2024 9 बजे का शेड्यूल था, 9 बजे वाले शेड्यूल में तो आ ही जाता हूं मैं पूरे 9 बजे। अरे रुको सुन लो, अरे बात क्या है अभी बता ही देता हूँ आपको क्या है। देखो मैं रहता हूँ पीजी में, ठीक है, तो पीजी में खाना ही बनता है, वो सुबह सुबह कितने 7:30 बजे तक खाना बना देंगे, वो खाना बनाते 8 बजे, मैं पूरा दिन खा नहीं पाता, क्लास लेता रहता हूँ, अब खा के तो निकलूंगा, बिना खाए थोड़ी निकल जाऊंगा 8 बजे, घर पे रहता तो अलग बात है कि नहीं। तो यहाँ पे आऊ आके फिर से खाना कौन देगा मुझे, तो खा के तो आऊंगा, तो 9 बजे फ्राइडे को उपवास होता है, तो फ्राइडे को आपको 8 बजे का क्लास मिल जाएगा, संतोषी माता का व्रत है मेरा, तो फ्राइडे को 8 बजे मिल जाएगा, क्योंकि खाना वाना तो होता है नहीं, तो मैं आराम से 7:30 बजे के 8 बजे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। बाकी वीकडेज में तो खा के निकलना पड़ेगा, भूखा थोड़ी मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तुम लोग के एग्जाम का क्या होएगा, ध्यान रखा करो मेरा अपना भी है। तो अनिशा टाइम का है कि एक 10-15-20 मिनट होता ही है, थोड़ा है सब कुछ परफेक्ट थोड़ी होता है, कोशिश है, कोशिश जारी है कि परफेक्ट हो जाए, और क्या चाहिए। पेड बैच का बात कर रहा है सुजीत, हाँ सुजीत पेड बैच तो है, पेड बैच का कुछ हाँ शुभ 21 लगा के आपको 15 दिन का वो डेमो मिलता था 1 तारीख से, अभी भी 7-8 दिन बचे हुए हैं उसके, 90 रुपीज ले लो, पेड बैचेस में जाओ, पेड बैचेस में जाने के बाद 90 रुपये खर्च होंगे, वहां पे बहुत सारे वीडियोस है मेरे, बाकी वीडियोस पहले मेरे वाला सर्च कर लेना दिख जाएगा आपको, फिर चुन चुन के देखना। तो मैं अपना गारंटी लेता हूँ, मैं बाकी टीचर का कोई गारंटी नहीं ले रहा, मैं अपना गारंटी लेके बोल रहा हूँ कि हाँ मेरे वीडियोस देख लेना, तो वहां पे पता चल जाएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बाकी देख के आप समझना बाकी का क्या सीन है क्या नहीं है, मेरे वीडियोस वहां पे होंगे देख लेना सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा, एंड देन यू विल फाइंड इट। दीपज्योति सर है जो मैथ्स कराते हैं, उनका मैं बता सकता हूँ, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो अभी जो पढ़ा रहे हैं, तो दीपज्योति सर है जो क्वांटम रीजनिंग पढ़ाते हैं,
उनका बहुत सही हो रहा है, मैं हूं। और उसमें अगर बाकी कुछ वीडियोस है, वो वीडियोस मैंने भी नहीं देखे, एक दो देखा था, मुझे फ्रेंकली पसंद नहीं आया था, आई एम वेरी फ्रेंक विद यू। तो देख लेना आप लोग, पसंद आया तो आया, तो मेरे वीडियोस है वहां पे सर्च कर लो, मेरे वीडियोस मिलेंगे, देखो पसंद आया तो आगे वाले कोर्स करे, तो नहीं पसंद आया तो यहीं पे आ जाओ, पसंद आने तो चाहिए, अच्छे से पढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। टाइम के बेटा अच्छे से ध्यान रखूंगा, फ्राइडे को बोलता हूँ 8 बजे मिल जाऊंगा, आगे का नहीं, ये 9 बजे का शेड्यूल है, कैसे यार बदनाम मत करो ऐसे, ऐसे बदनाम होकर टाइम पे नहीं आता, मूवी हिट होने से बात है ना, टाइम पे क्या है, शूटिंग खत्म हो जाएगा टाइम से पहले, ये गारंटी रखो, चलो बाय।